गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय में बीकॉम फिफ्थ सेमिस्टर इसके संदर्भ में मैं बात करूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था और 50 साल पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था, हम इसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था का विवेचन करना और वो हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर अनिल रामटेके, एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज द्वारा आज की ऑनलाइन लेक्चर में इस वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था पर मैं बात करूंगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय योजनाओं, आर्थिक योजनाओं का समय समय पर उसमें चयन किया गया और भारतीय योजनाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य और उसकी उपलब्धियाँ, जैसे जैसे सरकार ने कई योजना क्रियान्वित की और उसमें क्रियान्वयन करके समाज को बदलाव किया, आर्थिक सामाजिक विकास हुआ, वृद्धि हुई, उसके अनुसार हम उसका विवेचन करेंगे। जो राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय का तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो हुई है, उसका जो लक्ष्य था, उसका लक्ष्य 2.1% था। उसके संदर्भ में देखिए तो तथा प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 0.9% थी। इसकी उपलब्धियाँ अगर देखेंगे आज हमारे देश में काफ़ी बदलाव हो चुका है। जैसे जैसे देश की आर्थिक तरक्की कहते हैं हम, उसमें जो उपलब्धियाँ गिनी जाती है, उद्योग में प्रगति, आय में जो प्रगति, कृषि में प्रगति, राष्ट्रीय आय में प्रगति, तो उसमें जो पिछले 3 दशकों की उपलब्धियाँ अगर देखेंगे, उसकी समीक्षा की जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना में कई प्रकार की, यह राष्ट्रीय गौरवान्वित किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता निर्माण हो जाए, भारत आत्मनिर्भर हो जाए और इसमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई जनसंख्या की वृद्धि, जो जैसे वृद्धि हो रही थी उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय बड़े पैमाने में इंक्रीज किया जाए, उसकी वृद्धि हो जाए, लेकिन बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या अगर देखें तो हमारे देश में बहुत दिखाई देती है। संख्या में 40% से ज़्यादा अधिक लोग गरीबी के स्तर हमारे देश में दिखाई देते हैं और इस कथन को हम देखें तो 21% लोगों को 2 वक्त की रोटी इस देश में नहीं मिल पाती है, ये भी देखा गया है। तो साथ साथ कृषि उपभोग वस्तुओं और कुटीर लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए बड़े मात्रा में सरकार ने जो प्रयास किया है, उसके तहत कृषि का विकास दर जो अधिक उन्नत करने के लिए सरकार जो कटाक्षता प्रयत्नशील करती है, कटाक्षता लेती है, तो पर्याप्त मात्रा में उसका उपभोग वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और विस्तार से पर्याप्त अवसर उस मात्रा में पर्याप्त अवसर लोगों को निर्माण किया जाए, यह भी दिखाई देता है। तो प्रोफेसर उसके बारे में प्रोफेसर डी टी लकड़वाला के अनुसार 40 वर्षों की प्रगति की समीक्षा उनके संशोधन में जो दिखती है, कई क्षेत्रों में भारत की आर्थिक प्रगति संतोषजनक भी रही है और आर्थिक विकास की दर बड़ी है और विविधता आई है और बचत और विनियोग में बड़ी मात्रा में वृद्धि भी हुई है, बचत और विनियोग की मात्रा में वृद्धि भी हुई है। खाद्यान्न उत्पादन देखेंगे, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता आई है। जैसे कि ये खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हरित क्रांति आई है भारत में,
जो खाद्यान्न जैसे गेहूँ और चावल के उत्पादन में बड़ी मात्रा में हरित क्रांति दिखती है, उससे हमारे देश में जीवन यापन बड़ी मात्रा में बदल गया है और उन्नत हो गया है। लेकिन उसकी दूसरी अगर स्थिति देखेंगे तो भयावह दिखती है। वितरण अभाव के कारण देश में व्यवस्थापन और वितरण अभाव के कारण देश की जनता आज भी भुखमरी के कगार पर दिख रही है। वो 21% लोगों की जो दशा दिख रही है वो काफ़ी विपन्न अवस्था में है। दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, ये भी एक मात्र हम नहीं भूल सकेंगे। कृषि के ढांचा में मूलतः परिवर्तन हो चुका है और बहुत से बैंक भी इलाकों में और ऐसे क्षेत्र में देखेंगे तो बैंक की सुविधाओं का विस्तार भी सरकार ने किया है और राजकीय सहकारी संस्थाओं और राजकीय सहकारी संस्था और राजकीय संस्थाओं या कई विस्तारित भाग जैसे उत्पादन विपणन और तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन के कार्य बड़ी मात्रा में निर्माण हुए हैं। जीवन की गुणवत्ता के रूप में भी बदल हुआ है। जन्म दर और मृत्यु दर, इसमें शिशु दर, इसमें भी अभिनंदनीय परिवर्तन उसमें दिखाई देता है। पहले जैसे कि महामारी आती थी 1921 में देश में जो महामारी थी प्लेग आया था, जैसे कोविड-19 2019 में भी हम कोविड-19 की जो महामारी दिखती है इसमें भी वो जो रिपीटेशन हुआ है दूसरे महायुद्ध के बाद हमारे देश में जैसा कि महामारी आई वो महामारी का रिपीटेशन कोविड-19 का दौर हमने देखा है। कई लाखों तादाद की जनता उसमें मृत्यु हुई है और देश की कई देशों में आर्थिक विकास दर नीचे आई है। तो ये आर्थिक नियोजन या आज देखें सरकार हर एक देश में आर्थिक आयोजन या आर्थिक नियोजन करती है तो उसके तहत देखेंगे तो देश में बड़ी उसी भिन्न भिन्न देशों में या डेवलप कंट्री या अनडेवलप कंट्री हो सभी देश की कंट्री में सभी दुनिया की कंट्री में यह आर्थिक विकास का दर अभी निम्न हो चुका है। तो उसमें जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में मैंने इसके पहले लेक्चर में भी यह रिपीट किया कि पहले पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक आयोजन का लक्ष्य रहा वो 2.1% पहली पंचवर्षीय में रहा, जो वास्तविक उससे प्रगति हुई 3.6 था। जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में 9 आर्थिक विकास का दर 9% तक लक्ष्य रखा, उसमें 8.3% तक हम वास्तव में वो लेके आए और जैसे नीति आयोग देश में लागू हुआ तो आर्थिक आयोजन की नीतियाँ मूलतः बदलती हुई देखी और आज हम माइनस में है, माइनस आर्थिक वृद्धि दर जो माइनस में है ये भी हम नहीं भूल सकेंगे। कृषि में प्रगति कैसी हुई 55 वर्षों के दौरान अगर देखेंगे तो सरकार ने प्रत्येक पंचवार्षिक योजना में कृषि एवं सिंचाई पर बड़ी मात्रा में परिव्यय किया गया, जैसे कि 22-23% खर्चा इस कृषि में व्यय किया गया। सिंचाई पर जोर देकर उसके विनियोग की मात्रा भी बढ़ा दी गई और सरकार द्वारा सभी सीमा तक जैसे सरकार द्वारा जो भी आयोजन हुआ वो आरंभिक वर्ष में कृषि उत्पादन दर की वृद्धि का दर अधिक रखकर कृषि का क्षेत्रफल भी विस्तारित किया गया और प्रति हेक्टर उत्पादन में अपेक्षाकृत जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, वो कम मात्रा में वृद्धि हुई, ये भी हम नकार नहीं सकते। लेकिन 70, 71, 72, 73 ये कालखंड में लेकिन उत्पादन की वृद्धि काफ़ी अच्छी रही और हरित क्रांति का नया युग प्रारंभ होकर देश के उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई। तो ये खाद्यान्न का जो है इसमें अगर देखेंगे 1950-51 में खाद्यान्न की देखें गेहूँ 70 लाख टन उत्पादन 50-51 में हुआ था, जो 2012-13 में देखेंगे तो गेहूँ का उत्पादन
1251 लाख टन गेहूं का उत्पादन देश में हुआ, तो यह एक हरित क्रांति का ही एक रूप है ऐसा मान सकते हैं, जिसमें गन्ना हो या तिलहन हो या रुई हो, पटसन हो या आलू हो, इसके उत्पादन में क्रमता ये जो आंकड़ेवारी मिलती है वो भी बढ़ा चढ़ा कर ही मिलती है, ये बढ़ोतरी उसमें हुई है। तो जैसे कि आलू के उत्पादन में 1950-51 में 20 लाख टन आलू का उत्पादन देश में हुआ करता था, जो 2012-13 में 2230 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ है। जो चावल का उत्पादन 210 लाख टन 1950-51 में हुआ था, जो 2012 में चावल का उत्पादन 397 लाख टन उत्पादन चावल का उत्पादन हमारे देश में हुआ है। तो ये इस प्रकार का उत्पादन बढ़ के कृषि की प्रगति दिखती है। तो 2011-12 में 2574 लाख टन जो उत्पादन हुआ, उसमें लगभग 5 गुना वृद्धि हमारे देश में फसल के रूप में दिखाई देती है, जो गेहूँ और चावल इसमें काफ़ी बढ़ोतरी दिखती है। इस प्रकार की स्ट्रैटेजी कृषि रणनीति, सरकार ने नई कृषि रणनीति के तहत उसको सफल बनाया है और बहुत सी फसलों में उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। 4-8 जैसे 54 उत्पादन जो 54 ऐसे वस्तु है कि उसमें कृषि के तहत तालिका देखें 54 उत्पादन में इस प्रकार की बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन 8-10 उत्पादन वस्तु के उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी दिखाई देती है। ये हमारे देश में यह कृषि की उदासीनता देखे, या कृषि में उपज का दर, अगर उसमें क्षमता, उपज की क्षमता उसमें कमी उत्पादकता कहते हैं उसको, कृषि की कम उत्पादकता, वो उत्पादकता का में सफल निर्माण होने के लिए पानी सिंचाई की योजना बड़ी मात्रा में उसका विस्तार करना जरूरी है। उद्योगों में प्रगति देखेंगे उसमें, भारतीय आर्थिक आयोजन या आर्थिक आयोजन का जो क्रियान्वयन किया गया, तो उद्योगों में प्रगति देखेंगे उसमें, तो बुनियादी उद्योगों की प्रगति बड़ी मात्रा में होनी चाहिए थी। उसमें धातु उद्योग, रासायनिक एवं संबंधित उद्योगों में देखेंगे तो बड़ी मात्रा में प्रभावशाली प्रगति दिखती है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य उपलब्धि अगर भारतीय उद्योगों का विविध करने के देखेंगे, उसमें पिछली 10 योजनाओं में जैसे 1950 से 2007 तक जो हम आंकड़ेवारी देखेंगे, तो उद्योग के विकास में, परिवहन एवं संचार के विस्तार में, या बिजली के जनन एवं वितरण के मात्रा में भारी मात्रा में निवेश किया गया। प्रत्येक योजना को कुल परिव्यय इन क्षेत्रों पर खर्चा किया गया है। परिणाम स्वरूप ऐसे उद्योग जैसे इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन या उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों में काफ़ी मात्रा में प्रगति हुई दिखाई देती है। और समय समय पर सरकारें जब बदली गई, उस बदलती सरकारों में भी भारतीय औद्योगिकरण का उसमें अगर रूप देखेंगे तो उसमें बड़ी मात्रा में सराहना, भारतीय उद्योग बड़ी मात्रा में विस्तारित हुआ है। और ये उल्लेख किया गया कि एक प्रमुख उपलब्धि रही है कि भारत की औद्योगिक क्षमता का विविधीकरण और विस्तारीकरण, जिसमें सरकार का बड़ी मात्रा में योगदान उसमें दिखाई देता है। और सीमेंट उद्योग या सीमेंट उत्पादन जैसे सीमेंट वस्तुओं में बड़ी मात्रा में आत्मनिर्भरता आई है। पहले सीमेंट का आयात होता था, आज वर्तमान स्थिति देखिए तो सीमेंट की भारी लागत, सीमेंट या लोहा उत्पादन की लागत हमारे देश से मिलती है। तो ये उर्वरक के क्षेत्र में भी देखेंगे तो यहाँ तेजी से उत्पादन का विस्तार दिखाई देता है।
पूंजी वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि हो रही है। भारत में पूंजी वस्तुओं का आंतरिक उत्पादन द्वारा जो पूंजी वस्तुओं का जो सीमांत आयात था, सीमांत आयात भी अभी कम हुआ है और आंतरिक उत्पादन की बड़ी निर्माण हुई है और अधिकांश उद्योगों को संभावित वृद्धि आंतरिक वृद्धि हमारे देश में दिखाई देती है। भारत में सकल देशीय उत्पादन देखें, जो जीडीपी, भारत का जीडीपी 1950-51 में भारत का जीडीपी जैसी 10% से बढ़कर हमारे देश में 11-12 में 30.8% भी जीडीपी बढ़ती हुई दिखा है। लेकिन ये बात अलग है कि कोविड-19 के दौर में 27.3 माइनस तक भी जीडीपी चला गया। वो एक महामारी हो या मंदी हो या कई प्रकार की हमारे देश में बैंकिंग का डिफॉल्टेशन हो, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश में, भारत में आर्थिक आयोजन में जीडीपी का रेशियो भी माइनस में भी हमने देखा है। तो इसमें जैसे कि मृत्यु दर बड़े पैमाने में गिरा हुआ है, बड़ी मात्रा में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटलाइजेशन निर्माण करके मृत्यु दर की संख्या अधिक मात्रा में जो कम हुई है, गिरने लगी है। तो उससे जनसंख्या काफ़ी प्रभावित हुई, जनसंख्या बढ़ी है। अभी वर्तमान स्थिति जनसंख्या की देखें तो 139 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है और आने वाली जनगणना में यह रेशियो 140 करोड़ के आगे दिख सकता है, ऐसी संभावना है। खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1950-51 में देखेंगे तो मैंने पिछले लेक्चर में कहा है कि 144 किलो तक से बढ़कर 2001-2002 में 180 किलोग्राम तक हुई है और इसमें 2011-12 में 168 किलो तक इसमें ये मात्रा बढ़ी हुई है। इसमें लेकिन बढ़ी थी लेकिन ये 180 से लेकर 168 तक कम आई है। ये इसमें ये दो दशकों में या तीन दशकों के कालखंड में देखेंगे तो उत्पादन की गिरावट आई है, ये भी हम कह सकते हैं। तो चीनी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 5 किलो आर्थिक वार्षिक से बढ़कर 18.1% तक पहुंच गई है। चीनी के उत्पादन में भारत पहले से ही प्रगतिशील रहा। और खाद्य तेलों की वनस्पति की औसत प्रति व्यक्ति देखेंगे तो 1950-51 में देखेंगे तो 3.1 किलोग्राम थी, जो 11-12 में उसको बढ़ाकर 14.8% किलोग्राम 14.8 किलोग्राम हो गई है। मछली का उत्पादन प्रति व्यक्ति उपभोग 2004-05 में 1.5 किलोग्राम से बढ़कर उसमें देखेंगे तो 5.8 किलोग्राम तक हो गया है और यह तीन गुना दूध के उत्पादन में तो तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। तो भारत सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है दूध के उत्पादन में, तो तीन गुना उसमें दूध की बढ़ोतरी हो गई है। तो यह पेय पदार्थों के वर्ग में देखेंगे तो चाय की प्रति व्यक्ति उपलब्धि जो 1953-54 में 214 ग्राम थी, वो बढ़कर 11-12 में देखेंगे तो 728 ग्राम तक हो गई है। तो चाय के उत्पादन में भी भारत पहले से ही प्रगतिशील रहा है। कपड़ों का प्रति व्यक्ति उपभोग देखेंगे तो कपड़ों के प्रति व्यक्ति उपभोग में 1960 में 15 मीटर से बढ़कर 2011-12 में 40.5 मीटर हो गया है। इतनी वृद्धि हमारे देश में दिखाई देती है। इसका कारण है कि उत्पादन शुल्क बचाने के लिए देशीय उत्पादन का अल्पांकन या सहकारी और अधिक चिरस्थायी मानव निर्मित के तहत उसको विस्तृत किया गया है, उसका विस्तृत मात्रा में प्रयोग किया गया है। जीवन की अन्य सुविधाओं में देखेंगे तो जैसे कि ड्राई बैटरी सेलों में, रेजर ब्लेडों में, इलेक्ट्रॉनिक लैंपों में, बिजली के पंखों में, इसके उत्पादन में देखें तो लगातार वृद्धि हो रही है। तो यह एक नई क्रांति, टेक्नोलॉजी के दौर की क्रांति
दिखाई उसको कह सकते हैं। बाइसिकल, सिलाई मशीन, रेफ्रिजरेटर, सवारी गाड़ियों, स्कूटर, मोपेड, टीवी आदि उत्पादनों में कुछ वर्गों में, कुछ समाज के कुछ वर्गों में बढ़ती हुई जीवन स्तर तक उसका सूचक माना गया है और देश की क्रमतः प्रगति हो रही है। यह उपलब्धियाँ, भारतीय आयोजन की उपलब्धियाँ गिनेंगे तो यह उपलब्धियाँ मान सकेंगे। आर्थिक आधार संरचना, ऊर्जा, सिंचाई एवं परिवहन के विकास में देखेंगे तो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हमारे देश में आए दिन दिखाई देती है। जैसे औद्योगिकरण के प्रोग्राम का आधार, जैसे कि सड़क निर्माण, सड़क परिवहन के विस्तार में मंडी का विस्तार भी साथ साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सिंचाई एवं जल उद्योग परियोजनाओं में कृषि को भारी प्रोत्साहन मिल रहा है और इस छोटे कस्बों में देखेंगे, ग्रामों में, कस्बों में अगर देखेंगे या शहरी इलाकों में देखेंगे तो बड़े बड़े कारखानों का निर्माण होते हुए दिखाई देता है या आधुनिक प्रतिष्ठान बड़े शहरों में या कस्बों में स्थापित होने लगे हैं और ऊर्जा क्षेत्र में कई प्रकार की उपलब्धियाँ दिखाई दे रही हैं। तो यह आधार संरचना से देखेंगे तो अर्धनगरीय या ग्राम क्षेत्रों के संदर्भ में आधुनिकीकरण का रास्ता बड़ी मात्रा में खुल चुका है। और छठी योजना में देखेंगे तो यह अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने सिंचाई, संचयन गृह और नहरों का जाल बड़ी मात्रा में फैलाया है और पनबिजली या तापीय बिजली का उत्पादन बड़ी मात्रा में, क्षेत्रीय बिजली ग्रिड या व्यापक बिजली चलित रेल व्यवस्था भी तेजी से हमारे देश में चलने लगी है, उसकी बढ़ोतरी हुई है। और सड़क परिवहन संचालन की मात्रा में देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तरों पर राज्यों के राजमार्ग एवं शहरों के केंद्र को संबंध रखने वाले जो भारत को संचार को दूर दूर से देशों को जोड़ने वाली जो दूर संचार व्यवस्था में भी काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, उसमें विस्तार हुआ है। निर्यात का विविधीकरण और आयात का प्रतिस्थापन, इसमें भी क्रांतिकारक बदल हुआ है। औद्योगिकरण की नीति के परिणाम स्वरूप अगर देखेंगे तो भारत की पूंजी वस्तुओं के आयात के लिए विदेशों पर बड़ी मात्रा में निर्भर रहकर उसकी निर्भरता कम हो पाई है। अगर अधिक मात्रा में देखेंगे तो बहुत सी उपभोग वस्तुएं जिनका पहले आयात किया जाता था, अब हमारे देश में वो आयात न होके हमारे देश में ही देशीय उत्पादन, उसको आयात प्रतिस्थापन के रूप में देखेंगे तो उसमें आयात प्रतिस्थापन हुआ है। और भारत में निर्यात की वस्तु रचना देखेंगे तो भारत निर्मित वस्तुओं या कच्चे वस्तु खदानों और इंजीनियरिंग सामान के पक्ष में हो गई है, हमारे देश में निर्यात भी बड़ी मात्रा में होने लगी है। भारत में लोगों का जीवन प्रयास प्रत्याशी या जीवन यापन की वृद्धि, इसमें भी काफ़ी मात्रा में बदलाव हुआ है। 1951 में एक भारत की औसत जीवन प्रत्याशा देखिए तो 32 वर्ष थी, जो 2000-2001 में उसकी जीवन प्रत्याशा की आयु 65 हो गई है। तो यह कारण इसमें काफ़ी बीमारियाँ भी आई है, चेचक की बीमारी हो या मलेरिया की बीमारी हो या प्लेग की बीमारी हो, हैजा की बीमारी हो, ऐसे प्रभाव इस बीमारियों के प्रभाव भी समाज में काफ़ी मात्रा में फैलाव हुए हैं। और इसके कारण अस्पतालों का देश की आयोजन में देखेंगे तो भारतीय आयोजन में अस्पतालों का निर्माण किया गया, शिशु का मृत्यु दर भारी मात्रा में कम व्यक्त हुआ उसमें, और अल्प पोषण अधिकतर जनता को घटिया स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया। तो जीवन प्रत्याशा का जो दर है उसमें सराहनीय भी दिखता है, वृद्धिगत भी दिखता है, लेकिन उसमें काफ़ी बदलाव भी, निगेटिव बदलाव भी हो चुका है। तो ऐसी इस अवस्था में शिक्षा की प्रणाली में बड़ी मात्रा में बदलाव हुआ है और विस्तार हुआ है। आए दिन देखेंगे तो भारत सरकार ने उच्च शिक्षा प्रणाली या प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में आमूलाग्र बदलाव करके देश को एक विकास के रास्ते पर ले जाने की एक होड़ हो चुकी है या स्पर्धा हो चुकी है, ये भी हम नहीं भूल सकते।
भारत में योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षा व्यवस्था में रही है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था देखेंगे दूसरी नंबर की शिक्षा व्यवस्था भारत में कहलाई जाती है। तो भारत में प्राथमिक और मिडिल स्तर का जो शिक्षाकरण है वो उसमें 18.2 करोड़ लोग उसमें आते हैं। नवीं दसवीं उच्च स्तर माध्यमिक कक्षा बारहवीं ग्यारहवीं बारहवीं का नामांकन 3.7 करोड़ के बीच में आता है। इसमें वर्तमान स्थिति में इसमें काफ़ी आंकड़े बदली हुई है, जो नई जनगणना के अनुसार उसमें काफ़ी बदलाव दिख सकता है। तो यह मैं यहाँ मेरा लेक्चर विराम देता हूँ। थैंक यू।